बड़े टैलेंटेड सिंगर ने पहले तो मैं प्रोग्राम अस्सलामुअलैकुम करा इसमें वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अच्छा वसीम के बारे में दसा असि इमरजिंग टैलेंट हमेशा सारे को आते हैं पर असी सिलेक्शन करने एक्सट्रीमली टैलेंटेड है और इन्होंने अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज तो लगा दिया है इन्होंने दो गीत मैं अपने अज इस प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ और इस तो पहले मैं आपकी तरफ रुख करूँगा मैं दस रहा हूँ नाजी कि अपना जी ट्रांसमिशन के दौरान असी जो शुरू किया है यह सिलसिला मॉर्निंग शो का जो सैकेंड सीजन तो बहुत से लोगों का एक बहुत वसी तादाद से बहुत ज़्यादा तादाद से लोग योग किया उन्होंने कई बहुत सुरीले होंगे ने और कई ऐसे होंगे ने कि बस उन्होंने घर भी नहीं सुन रहे होंगे और साढ़े भी उन्होंने सिलेक्ट करना फिर सिलेक्शन लेना होंगे एवं कि जो ज़्यादा तादाद से लोग आ जाते हैं तो जो जैनुअन लोग हैं उनका भी हक मारा जाता है तो कोशिश करे करो जो नंबर उत्तर आ रहे होंगे वे उही लोग रबता करा कर जिन्हों समझ आती उन्होंने गायकी का कोई शौक है और उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जिन्हों अपने नाजरीन के सामने लाना चाहते हैं तो साढ़े भी वो बड़ा कह लो कि खुशी का बायस होता है कि असी पाकिस्तान के किसी टैलेंट को तेरे सामने लेके आइए तो इस कोई शर्म नहीं हाँ लेकिन उन्होंने प्लीज़ रिक्वेस्ट है पहले मेहनत कर साढ़े दिल के और टैलेंट चैनल के दरवाजे उन्होंने खुले ने वसीम राजा साहब की हाल चाल है ठीक ठाक अच्छा मैं कह रहा था आपकी ना मुशावत काफ़ी मिलती है कई लोगों से लेकिन मैं अभी नाम चले मैंशन नहीं करता क्या उम्र है आपकी मेरे भाई 20 ईयर्स आप 20 साल के आपने तालीम को खुदा हाफिज़ कह दिया या स्टार्टिंग है अच्छा तालीम छोड़ी तो नहीं तालीम कर रहे हो जी ये साथ साथ एक तुमने शौक रखा हुआ जी सर आप निजी कॉलेज में म्यूजिक की बेस पर सिलेक्ट हुए जी सर अच्छा और कब से मुंसलिक है म्यूजिक के साथ सर बचपन से अच्छा बेटा इसमें बोलोगे और इसको करीब रखोगे और ऊंचा बोलोगे तो नाजीन भी सुनेंगे मैं भी सुनूंगा बचपन से बचपन के लगते नहीं हो बचपन कह रहे हो बचपन कह रहे हो बचपन बचपन से फिर तो ठीक है बचपन तो लग नहीं रहे हो ना बचपन जैसे लग रहे हो किसी के साथ वो एक अलग बात है लेकिन वो भी बचपन की नहीं जिन जिन जैसे लग रहे हो लेकिन आप ये बताओ कि आप 4-5 साल हो गए नहीं प्रॉपर स्कूल गाते हुए इसे मुझे 10 साल हो चुके अच्छा 10 साल हो चुके यानी 10 साल की उम्र में अगर मैं कहूँ तो जी सर तुम गा रहे हो कोई बाकायदा उस्ताद नहीं है जी सर अब्दुल रऊफ साहब आलमगीर अच्छा अब्दुल रऊफ साहब सिखाते हैं जी इससे पहले कि मैं आपके ना ट्रैक को सुनूं जो आप लेकर आए जी सर आपने आतिफ असलम को जी सर आतिफ असलम ही क्यों बहुत सारे बच्चे आतिफ असलम को क्यों आइडियल बना लेते हैं नहीं शौक भी है आइडियल भी है आतिफ असलम साहब अच्छा जी शौक भी है और आइडियल भी है जी शौक क्या है शौक सिंगिंग है अच्छा तो आइडियल वो भी कोशिश के हैं अच्छा अभी मैं अगर आपको मैं कोई मुश्किल गाना कहूँ किसी ऐसे सिंगर का जो हमारे दौर पे हमारे आइडियल रहे ऐसा नहीं है कि मुझे आतिफ असलम पसंद नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है आतिफ असलम हमारे मुल्क का नाम है अगर मैं आपको कहूँ उनका भी सुनूंगा आतिफ साहब का भी लेकिन अभी अगर मैं आपको कहूँ चले सजाद अली साहब का कोई मेरे ऑल टाइम फेवरेट है अगर कोई चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ पहले सोच लो बेटा फिर बहुत मुझसे प्रॉब्लम है अगर मैं सजाद साहब भी कोई चीज़ कहूँ तो गा लूँगे जी सर गाऊँ उनका एक गाना था तस्वीर वाला याद है आपको उनका सर जी सर याद तस्वीर तेरी तस्वीर बना के मैं तेरी जी सर याद आया जी ये पहले सुनो पहले मैं तो आपका इम्तिहान तो लूँ ना रिकॉर्डिंग में कुछ और है और लाइव कुछ और बात है ठीक है सर जरा हो जाए हंस खुले ने तेरियां यादा ने आमिल सजड़ा फरियादा ने हंस खुले ने तेरियां यादा ने आमिल सजड़ा साल नहीं
What do you see?